ये मंदी का पीरियड चल रहा है ना और इस मंदी के पीरियड के अंदर सिचुएशन क्या है बहुत सारों का धंधा नहीं चलता तो लोग कहते हैं किसी ने रोजी बांध दी तो ये बात याद रखें कोई आज तक ऐसा बाबा है ही नहीं जो रोजी बांध सके इसे जहन में रखो कोई ऐसा आज तक है ही नहीं जो आपके रिस्क को बांध दे इसलिए कि कुरान ने वाज लफ्जों में फरमाया अबाह यब सो यशा व लेशा अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है कदर के माने तंग के होता है और लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं जानते हैं आप इसलिए कहते हैं कि आसमान से फरिश्ते जमीन पर इतने उतर आते हैं कि जमीन तंग हो जाती है इसलिए लैलतुल कद्र कहा जाता है पैर रखने की जगह नहीं होती फरिश्तों के लिए जमीन तंग हो जाती है इसलिए कद्र कहा जाता है तो अल्लाह जिसे चाहे खुसादा रोजी अता फरमा दे और जिसे चाहे तंग कर दे तो यह डिपार्टमेंट अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है वरना जो आप कहते हैं कि फला ने तंग कर दिया वो आपसे क्यों कहता कि भाई मुझे पांच सौ रुपए तेरे को देना पड़ेगा तो तेरा काम करूंगा उसकी खुद की रोजी तंग पड़ी है बेचारे उसकी खुद की तंग पड़ी है, वो आपकी क्या तंग करेगा तो कुदरत तो ने अपने हाथ में रखा है जिसकी रोजी वो चाहे तंग कर दे और जिसकी चाहे वो कुशादा फरमा दे तो रोजी कोई बांध नहीं सकता हाँ आपकी रोजी पर नजर लग सकती है ये हक है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं इसीलिए बड़े बुजुर्ग बड़ी अच्छी बात पुराने जमाने के काठियावाड़ के एक थे उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की बेटे केला लेकर के रेकड़ी वाले से निकलना तो काली थैली में निकलना सुफेद में नहीं इसलिए कि हो सकता है सुफेद थैली में से केला नजर आ जाए और किसी की नजर पड़ जाए कहते थे लोग तो नजर बड़ी खतरनाक चीज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नजर इंसान को मौत तक ले जाती है और पत्थर को फाड़ देती है ये नजर में था अब यहां से एक बात समझ में आई है। जब किसी आम इंसान की बुरी नजर पड़ जाए तो उसकी नजर से पत्थर फट सकता है तो अल्लाह वालों की नजर कर्म पड़ जाए तो बिगड़ी भी बन सकती है जब तुम ये मानते हो कि बुरी नजर किसी की पड़ जाए गाड़ी पे लिख के निकालते हो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ये सब लिखा हुआ रहता है तो जब नजर की माए बच्चे को काला टीका लगाकर निकालती किसी की नजर न... पता चला नजर की तासीर है तो आम इंसान की नजर की इतनी ताकत के पत्थर को फाड़ दे सेहतमंद को बीमार कर दे तो अल्लाह वालों की नजर की क्या उस, उनकी नजरों का क्या क्या इसीलिए सरकार फरमाते फरासत मुकमिन नहू योर बेनूर ताला मोमिन की फरासत से डरो कि वो अपनी आंखों से नहीं अल्लाह के नूर से देखता है इसीलिए फरमाया गया आलिम के पास जाओ तो जबान को लगाम दो और वली के पास जाओ तो दिल को लगाम दो कि वो तुम्हारी दिल की धड़कनों को देख रहे हैं तो बुरी नजर से रोजी तंग हो सकती तंग से मुराद ये है कि कारोबार ठप पड़ सकता इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को सोते वक्त अपने बच्चों को आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम कर दिया करो अल्लाह बुरी नज़र से उनकी हिफाजत फरमाएगा ऐसे ही आप जब भी कारोबार के लिए जाएं दुकान खोलें आयतुल कुर्सी पढ़ करके आप फूंक दें इन बुरी नज़र से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा